आप देख रहे हैं UPSI बैच की टाइमिंग चालू करती है। हम पूरा बैच आपको दिखा रहे हैं, UPSI का पूरा बैच है और रेस का ये पहला चक्कर आरंभ हो चुका है। आज आपको दिखाते हैं कितनी ज़्यादा भीड़ आपको नज़र आएगी हमारे यहाँ UPSI कैंडिडेट की। लगभग ये 70 लड़के हैं करीब। पूरी टाइमिंग आपको 12 चक्कर की दिखाई जाएगी, एक एक मिनट की आपको टाइमिंग देखने को मिलेगी कि आखिर ये बच्चे कितनी देर में पूरी कर पा रहे हैं। और सबसे मेन बात, आज शाम को टाइमिंग ली जा रही है, 5 बजा हुआ है, 5 बजे इनकी टाइमिंग हो रही है। क्योंकि कभी भी जैसा कि नोटिस वायरल हो रहा था कि सुबह और शाम किसी भी टाइम हो सकती है इनकी रनिंग, तो अगर शाम को भी होती है इनकी तो आज आपको टाइमिंग देखने को मिलेगी कि शाम को ये कितनी देर में पूरी कर पाते हैं। तो आपको पूरे UPSI के 12 चक्कर की टाइमिंग देखने को मिलेगी। तो आप इस वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं कि क्या स्टेप रहता है इनका, और पहला चक्कर, दूसरा चक्कर कितनी देर में और क्या मिनट रहते हैं। हम आपको एक एक चक्कर का टाइमिंग बताते चलेंगे। सूर्य भगवान अपने पूरे तेज में दिखाई दे रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको क्लियरिटी देखने को मिलेगी जितनी हो सकेगी, क्योंकि धूप बहुत तेज है। और फिर भी हम इनकी पूरी टाइमिंग 12 चक्कर की ले रहे हैं। एक मिनट 36 सेकेंड, पहला चक्कर फिनिश, दूसरा स्टार्ट। अरे पंचर है क्या? आप देख रहे हैं रेस का दूसरा चक्कर स्टार्ट हो चुका है। हम पूरे 12 चक्कर की आपको टाइमिंग दिखा रहे हैं। ये आराम से देख लिए, पूरे 12 चक्कर की टाइमिंग आपको दिखाई जा रही है। एक एक चक्कर पे आपको देखने को मिलेगा कि आखिर ये कितनी देर में पूरा कर पा रहे हैं। अब देख रहे हैं रेस का दूसरा चक्कर जाता हुआ। UPSI बच्चों, सेकेंड फेस वाले बच्चे, बिल्कुल तैयार हो जाइए आप लोग। आपका जैसे जैसे DB होता जाएगा उसी आधार पे आपकी रनिंग पे भी डेट आती जाएगी। अगर 4 से या 5 से रनिंग स्टार्ट हो रही है तो आप ये समझ लीजिए जिसका DB होता जाएगा उसकी भी डेट आती जाएगी, क्योंकि एक एक सेंटर में 200 बच्चों को बुलाया जाएगा। और आप समझ सकते हैं कि 8 सेंटर हैं, तो 8 सेंटर में अगर 200 सुबह बुलाए गए, 200 शाम बुलाए गए, तो 400 हो गया। तो एक दिन में टोटल 3200 लड़कों को बुलाया जाएगा। तो जो 8000 की DB कराई गई है वो बहुत ही जल्दी 2 ही दिन में ख़त्म हो जाएगा। तो जिनका भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता जाएगा उनको बहुत ही जल्दी बुलाते जाएंगे। तो इस वजह से रनिंग आप अपनी पूरी फुल प्रिपेयर रखिएगा, और सुबह बुलाएं या शाम बुलाएं। शाम का नियम ये रहेगा कि अगर लड़कियां भर गई हैं, मतलब उनका पूरा हो चुका है, फिर सेंटर खाली रहेगा, तो लड़कों को भी शाम को बुलाया जा सकता है। तो इस वजह से आप रनिंग अपनी सुबह और शाम किसी भी टाइम प्रिपेयर करके रखिएगा। आप देख रहे हैं रेस का दूसरा चक्कर जाता हुआ, ये कुछ ही देर में पूरा होने वाला है। और बहुत बेहतरीन स्पीड के साथ ये चक्कर लगा रहे हैं आगे वाले भैया। 3 मिनट 27 सेकेंड, दूसरा चक्कर फिनिश, तीसरा स्टार्ट। आप देख रहे हैं रेस का तीसरा चक्कर चालू हो चुका है। बहुत ही अच्छी नौकरी है UPSI की, 4200 ग्रेड पे रहेगा आपका, और टोटल जो आपका सभी अलाउंस जुड़ के पूरा जाएगा वेतन, वो 51,250। अगर आज की डेट पे आप दरोगा बन रहे हैं तो 51,250 आपको मिलेंगे। इस वजह से आप सारे काम छोड़ के इस समय रनिंग पे ही ध्यान दें। अगर आप शॉर्ट लिस्ट हुए हैं तो रनिंग आप करना मत भूलिएगा, क्योंकि रनिंग में हो सकता है बच्चा छट सकते हैं। तो इस वजह से अपनी तैयारी को पूरी रखिएगा, बहुत ही कम समय है आपके पास रनिंग के लिए। अगर इधर उधर तैयारी में आप भटक रहे हैं तो इधर उधर मत भटकिएगा, अभी आप अपनी रनिंग को जरूर प्रिपेयर करके रखिएगा। अगर आपने रनिंग निकाल दी तो आपके 90% चांस रहेंगे दरोगा बनने के कि आप बाहर ना हो पाएं। मेरिट आपकी बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेगी, ज़्यादा से ज़्यादा 2 नंबर 2.5 नंबर 3 नंबर, इससे ज़्यादा मेरिट आपकी नहीं बढ़ाई जाएगी। आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, 12 चक्कर मारना कोई मामूली खेल नहीं होता है। जब आप एकेडमी पर रह के तैयारी कर रहे हैं, महीनों से 2-2 महीने से कर रहे हैं, तब जाके आप कहीं मार पाते हैं। बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो सोचते हैं मैं 15 दिन में रनिंग निकाल लूँगा। 15 दिन में रनिंग निकालना कोई आसान चीज़ नहीं होती है। तो इस वजह से आप लोग अपनी तैयारी को अच्छे से प्रिपेयर करके रखें, ताकि ये मौका आपके हाथ से ना जाने पाए। और चलो चलो,
पांच मिनट 15 सेकेंड, तीसरा चक्कर फिनिश, चौथा स्टार्ट। आप देख रहे हैं रेस का चौथा चक्कर स्टार्ट हो चुका है। हमारे यहाँ कई एक्स सर्विस मैन भी हैं जिनकी रनिंग लगी हुई है, कोई एयरफोर्स से रिटायर हैं, कोई आर्मी से रिटायर हैं, और सभी लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे अंक पाए हुए हैं और मेहनत में बराबर लगे हुए हैं कंटिन्यू कि किसी तरह उनको इसमें सिलेक्शन मिल जाए। चौथा चक्कर जाता हुआ, मात्र 8 चक्कर शेष हैं इसके बाद। पूरा वीडियो मिलेगा आपको, एक एक वीडियो हमारे यहाँ दिखाया जाता है, आप हमारे पुराने वीडियो भी देख सकते हैं यूपीएसआई के, एक भी वीडियो आपको छूटे नहीं मिलेंगे। यहाँ प्रत्येक हर हफ्ते टाइमिंग होती है, और सोमवार को टाइमिंग होती थी, अभी तक सुबह होती थी, लेकिन आज शाम को टाइमिंग ली जा रही है और शाम की टाइमिंग हम आपको दिखाने जा रहे हैं। शाबाश, चलते रहो। सात मिनट 2 सेकेंड, चौथा चक्कर फिनिश, पांचवा स्टार्ट। देख रहे हैं इस बच्चे को, लगभग इसने आधे लड़कों को ओवरलैप कर दिया है। आठ मिनट 50 सेकेंड, पांचवा चक्कर फिनिश, छठवां स्टार्ट। और पढ़ो, आप देख रहे हैं रेस का छठवां चक्कर चालू हो चुका है, इसके बाद मात्र आपके 6 चक्कर शेष रह जाएंगे। इसका छठवां चक्कर जाता हुआ, आप समझ सकते हैं कि सुबह की अपेक्षा शाम में रनिंग कितना कठिन होता है। सुबह क्या होता है, आप अगर रात में कुछ भी खा के सोते हैं तो आपको 7 से 8 घंटे का समय मिल जाता है, जिससे आपकी पाचन क्रिया क्या होती है, अच्छे से डाइजेस्ट हो जाती है। लेकिन अगर शाम को आपकी रनिंग कराई जा रही है, आप रनिंग कर रहे हैं, तो क्या होता है, आपका डाइजेशन सिस्टम जो होता है सही नहीं रहता है, क्योंकि आप 12 बजे 1 बजे खाना खाते हैं, 5 बजे आपको ग्राउंड जाना पड़ता है, तो 4 घंटे में पूरा ये नहीं क्रिया हो पाती है। तो इस वजह से शाम को रनिंग करना बहुत ही कठिन होता है। तो आप देख रहे हैं आज हम रनिंग इसी वजह से पूरी शाम को ले रहे हैं इन बच्चों की, कि आखिर ये अपना क्या परफॉर्मेंस दे पाते हैं, कितने फेल होते हैं, कितने पास होते हैं, इसी वजह से इनकी आज रनिंग की जा रही है। बहुत बढ़िया बेटा,
वेरी गुड स्पीड है तुम्हारी, इसी तरह बस चलते रहना तुम इसी पैरों पे, बस यही पेस बनाए रखना। पूरा का पूरा बैच ओवरलैप कर दिया है तुमने, एक चक्कर पूरा पूरा ओवरलैप दे दिया है, कोई नहीं है आगे पीछे तुम्हारे। चल निकल आगे जल्दी से, आजा दस मिनट 42 सेकेंड, छठवां चक्कर समाप्त, सातवां स्टार्ट, यूपीएसआई बैच सातवां चक्कर चालू हो चुका है। सभी लोग अपने अपने स्पीड बढ़ा दो, अब देख रहे हैं रेस का सातवां चक्कर स्टार्ट हो चुका है, मात्र 5 चक्कर शेष रह जाएंगे इसके बाद, आप देखते हैं पूरा क्या होता है। और बहुत ही बेहतरीन स्पीड इस लड़के की, फरुखाबाद वाले की, बहुत ही अच्छी टाइमिंग के साथ, अगर ये इस तरह से एक्टिव रहा तो 20 मिनट में पूरा बैच फिनिश कर देगा, और फिर देखते हैं कि बैच कितने में फिनिश हो पाता है। यूपीएसआई बैच का सातवां चक्कर जाता हुआ, मात्र 5 चक्कर रह जाएंगे इसके बाद शेष। आप देख रहे हैं पूरे ग्राउंड पे लड़का फैल चुका है, एक चक्कर पूरा पूरा ओवरलैप चलता हुआ और लगातार सभी को पछाड़ते चलता हुआ ये बच्चा, जो पहले दूसरे आगे चल रहे थे सभी बच्चे पीछे हो चुके हैं। और रेस का सातवां चक्कर है, कुछ ही देर में पूरा होने वाला है वो भी, बहुत ही अच्छी टाइमिंग है, हर चक्कर हम टाइमिंग आपको बताते चल रहे हैं। बारह मिनट 32 सेकेंड, सातवां चक्कर पूरा, आठवां चक्कर स्टार्ट, यूपीएसआई आठवां चक्कर शुरू हो चुका है। और स्पीड बढ़ाओ गाड़ी की, चल बेटा शाबाश, बहुत बढ़िया, मजा आ गया भाई स्पीड देख के आज। आप देख रहे हैं रेस का आठवां चक्कर जा रहा है, आप इस बच्चे को देख सकते हैं, हमारे कंटिन्यू इसके स्टेप देख सकते हैं किस स्टेप पे चलता हुआ ये बच्चा, और टाइमिंग भी आपको बताते चल रहे हैं, आठवां चक्कर जा रहा है और अभी 14 मिनट पूरे नहीं हुए हैं। वेरी गुड, चलते रहो, चौदह मिनट 22 सेकेंड, आठवां चक्कर पूरा, नौवां चक्कर स्टार्ट, यूपीएसआई बैच नौवां चक्कर शुरू हो चुका है। 14 मिनट 30 सेकेंड हुआ है मात्र भी,
आप देख रहे हैं यूपीएसआई बैच का 9वां चक्कर जाता हुआ और 15 में 30 सेकेंड हुआ है अभी। मात्र इसके बाद 3 चक्कर शेष हो जाएंगे। आपको बता दें इसमें किसी भी एकेडमी में आपको कभी भी पूरा फिजिकल बैच नहीं देखने को मिलेगा, पर यहाँ पे हम आपको पूरा का पूरा वीडियो दिखाते हैं कि पूरा बैच कितने में समाप्त हो रहा है या फिर 12 चक्कर ये कितनी देर में मार पा रहे हैं। आप घर बैठे अगर इनके गार्जियन हैं तो आप पूरा देख सकते हैं एक एक चीज। सोलह मिनट 12 सेकेंड, 9वां चक्कर समाप्त, 10वां स्टार्ट। चल बेटा शाबाश, बहुत बेहतरीन, इसी पेज पे चलते रहना बिल्कुल। 10वां चक्कर शुरू हो चुका है रेस का, 10वां चक्कर यूपीएसआई बैच, ध्यान दो सभी, रुको मत कोई भी, 10वां चक्कर चालू हो चुका है आपका। देख रहे हैं यूपीएसआई बैच का 10वां चक्कर जाता हुआ, 17 मिनट हुआ है अभी। आगे वाले बच्चे को आप देख रहे हैं, कंटिन्यू मैं इसी को फोकस करके वीडियो दिखा रहा हूं आपको। पूरा बैच लगभग 1.5 चक्कर ओवरलैप कर दिया है इस समय इसने, और बहुत ही वेरी इतनी अच्छी स्पीड से चल रहा है जिसकी कोई सीमा नहीं है। चलते रहो बेटा शाबाश। अठारह मिनट 10वां चक्कर पूरा, 11वां स्टार्ट। अब देख रहे हैं रेस का 11वां चक्कर स्टार्ट हो चुका है। मात्र इस चक्कर के बाद एक आखिरी चक्कर होगा, उसी में हो जाएगा निर्णय आखिर कौन आता है आज के बैच में फर्स्ट। आप देख रहे हैं रेस का 11वां चक्कर जाता हुआ, 拜拜 चलते रहो, पैदल स्पीड बढ़ा दो, अगर ज्यादा थकान लगे स्पीड बढ़ा दो, रुकना नहीं है भाई, फेल हो जाओगे। आप देख रहे हैं यूपीएसआई बैच का 11वां चक्कर है और इसके बाद मात्र एक आखिरी चक्कर रह जाएगा। बहुत ही बेहतरीन टाइमिंग दी है इस बच्चे ने, पूरे बैच को लगभग लताड़ दिया है। चलते रहिए सर आप लोग, बहुत टाइम बाकी, 8 मिनट है पूरा अभी, आप लोग हार मत मानिए, 8 मिनट है, 8 मिनट, 2 मिनट का भी चक्कर जाएगा कोई दिक्कत नहीं। चल 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 चल, 19 मिनट 50 सेकेंड, 11वां चक्कर पूरा, आखिरी चक्कर, 12वां चक्कर स्टार्ट हो चुका है आपका। आप लोग परेशान ना होइए, आप लोग अपनी स्पीड पे चलते रहिए, पूरा 8 मिनट बाकी है अभी, केवल 20 मिनट हुआ है अभी। बीस मिनट 12 सेकेंड, 12वां चक्कर है यूपीएसआई बैच,
जिनके चक्कर छूट रहे हैं, एक चक्कर ओवरलैप है, सभी अपनी स्पीड पे चलिएगा, बहुत टाइम बाकी है, 20 मिनट हुआ है मात्र अभी। चल बेटा दाहिनी तरफ से काट के निकल, और बड़ा शाबाश, और बड़ा स्पीड, 20 मिनट 45 सेकेंड, 20:46, 20:47, 20:48, 20:49, 20:50, 20:51, 20:52, चल बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। 20 मिनट हुआ है मात्र अभी, तुम लोग चलते रहना, 21 मिनट पूरा, 21 मिनट 1 सेकेंड, और बढ़ा स्पीड, फिनिश कर फास्ट, बढ़ा तुम, बढ़ा, और बढ़ा, ऋतिक, 21:10, 21:11, 21:12, 21:13, 21:14, 21:15, 21:16, 21:17, 21:18, 21:19, 21:20, वेरी गुड, शाबाश। चलो ओवरलैप बच्चों, सभी आप लोग चलते रहिए, मात्र 21 मिनट 28 सेकेंड हुआ है, चलते रहो सभी लोग, 21 मिनट 32 सेकेंड, 21 मिनट 35 सेकेंड, चलते रहो सभी, अभी पूरे पूरे आपके 6 मिनट बाकी हैं। इक्कीस सैतालीस, 21:48, 21:49, 21:50, चलते रहो सभी बच्चे, अभी 6 मिनट हैं, ओवरलैप बच्चा परेशान ना हो बिल्कुल भी। बाईस सात, 22:08, 22:09, 22:10, 22:11, 22:12, 22:13, 22:14, 22:15, चलते रहो, 22:17, 22:29, 22:30, 22:42, बच्चा परेशान मत ना हो, 22:42, 22:43, 22:44, 22:45, 22:46, 22:47, जाओ जाओ जाओ, 22:50, 22:51, 22:52, 22:53, 22:54, 22:55, 22:56, 22:57, 22:58, 22:59, 23 मिनट, 23:01, 23:02, तेईस मिनट 15, 23:16, 23:17, 23:18, 23:19, 23:20, 23:23, 23:24, 23:25, 23:26, 23:27, 23:28, 23:29, 23:30, 23:31, 23:32, 23:33, 23:34, 23:35, चलो 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 चलो, अभी जिनका एक चक्कर बाकी है मारो पूरा, 23:42, 23:43, 23:46, 23:47, 23:48, 23:49, चौबीस मिनट, 24:05, 24:06, 24:07, 24:08, 24:09, 24:10, 24:11, 24:12, 24:13, 24:14, 24:15, 24:16, 24:17, 24:18, 24:19, 24:20, 24:21, 24 मिनट 27 सेकेंड, 24:28, चल 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 चल, अभी बहुत टाइम है, 24:33, 24:34, 24:35, 24:36, 24:37, 24:38, 24:39, 24:40, 24:41, 24:42, 24:43, 24:50, 24:51, 24:52, 24:53, 24:54, 24:55, 25:10, 25:11, 25:12, 25:13, 25:14, 25:15,
25, 16, 25, 17, 25, 18, 25, 22, 25, 23, 25, 24, 25, 25, 25, 26, 25, 27, 25, 28, 25, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 74, 75, 76, 77, 78, 89, 90, 91, 92, 93, 74, 75, 76, 77, 78, 89, 90, 91, 92, 93, 74, 75, 76, 77, 78, 89, 90, 91, 92, 93, 74, 75, 76, 77, 78, 89, 90, 91, 92, 93, 74
पहला बच्चा बहुत ही स्पीड में भागा था, उसकी स्पीड देखने लायक थी, मात्र एक महीने में उसने इतनी अच्छी स्पीड कवर की है। आप देख रहे हैं पूरे बैच को लगभग ओवरलैप कर दिया था डेढ़ चक्कर से। 26:03, 26:04, 26:05, 26:06, 26:07, 26:08, 26:09, 26:10, 26:11, 26:12, 26:13, 26:14, 26:15, 26:16, 26:17, 26:18, 26:19, 26:20, 26:25, 26:32, 26:33, लेट जाओ, दिक्कत हो रही है, लेट जाओ, पैर लंबे कर। छब्बीस बावन, 26:53, 26:54, 26:55, 26:56, 26:57, सत्ताईस मिनट चार सेकेंड, 27:05, 27:06, 27:07, 27:08, 27:08, चल फिनिश कर जल्दी, 27:18, 27:19, 27:20, 27:21, 27:22, 27:23, 27:24, 27:25, 27:26, 27:27, 27:29, 27:30। आप देख रहे हैं पूरा 28 मिनट में पूरा बैच फिनिश हो गया है, केवल एक्स सर्विसमैन को टिक रह गए हैं, उन्हीं के देखते हैं कि आखिर ये टाइमिंग कितनी आ पाती है उनकी। चलिए सर थोड़ा स्पीड बढ़ाइए आप अपनी। अट्ठाईस मिनट, 28:02, 28:11, फिनिश कर, 28:11, 28:12, 28:13, 28:14,